are weak. But I know you're stronger than what you think. हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल लकी पे। वीडियो टाइटल से आप लोग जान ही गए होंगे जी। तो आज जा रहे हैं हम जीपी, जाने का रास्ता वही लेंगे, मंडी मनाली वाला हाईवे। आज निकलते हुए काफ़ी लेट हो गया था मैं सुबह घर से, बारिश जो अपना कमाल दिखा रही थी, बट थोड़ी सी कम हुई तो सोचा निकल ही जाता हूँ रेनकोट पहन के जी। तो वो और टनल के साथ लगा एक लेफ्ट रास्ता जाता है, वही लेके आप एंटर हो जाएंगे इस खूबसूरत वैली में, जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ। इस जगह गूगल के अकॉर्डिंग नाम है इसका लार्जी व्यू पॉइंट। यहाँ से सामने बना ये डैम और इन दो रिवर्स का जंक्शन इस पूरे नेचुरल एस्थेटिक को इतना आई प्लीजिंग बना देता है कि आप अपने लंबे ट्रिप के बाद एक अच्छा खासा ब्रेक जरूर ले सकते हैं इस जगह पे। ये जीपी का रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि हर मोड़ के बाद ही मैं रुक जा रहा हूँ। साथ में चल रही है तीर्थन रिवर और उसके ठंडे पानी का शोर इस पूरी वादी को और भी प्यारा बना दे रहा है। और टनल से जीपी का डिस्टेंस होगा नियरबाउट 33 किलोमीटर, जो कि आप वहां से चल रही लोकल कैब्स या फिर बसेस में इजीली कवर कर सकते हैं। डेली इससे बाहर से आ रहे हैं तो काफी और प्राइवेट बसेस भी आपको इस और टनल तक छोड़ देंगी, और वहां से आप लोकल शेयरिंग कैब्स या प्राइवेट कैब्स करके आ सकते हैं। और बसेस से आना चाहते हैं तो और भी बढ़िया है। जी तो ये है जीपी। मैंने अपने रहने का सिडार स्ट्रीम हाउस में किया है, जो कि इस साथ चल रही एक छोटी सी प्यारी सी नदी के उस पार होगा। रोड और एक छोटा ब्रिज क्रॉस करके आपको बहुत ही प्यारे ऑप्शन मिल जाएंगे रहने के इस पूरे जीपी में ही। और सोलो ट्रैवलर जो कि मेरी तरह ये वीडियो देख रहे हैं, उनके रहने के लिए यहाँ होस्टलर्स, मैट पैकेट्स एक्सेट्रा में डॉम्स और रूम्स भर भर के अवेलेबल हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऑफ सीजन आया हूँ मार्च में। सुना मैंने यहाँ कि ये जगह किसी टाइम ऑफ बीट प्लेसेस से नवाजी जाती थी, बट अब ऐसा रह नहीं गया है टू बी ऑनेस्ट। वर्क फ्रॉम होम के चलते पीक टाइम जो कि अप्रैल से आगे आगे का होता है, मोस्टली हर एक जगह ही भर जाती है। इसलिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ बुकिंग्स पहले करके आइएगा। जी तो पहुंच चुके हैं हम जलूरी पास। बताना चाहूंगा यहाँ जलूरी पास से दो छोटे ट्रैक्स हाइक्स जाते हैं, एक तो होगा रघुपुर फोर्ट और दूसरा सिरियोलसर लेक। मैं यहाँ जलूरी पास तकरीबन 12 बजे पहुंचा था, तो सोचा अभी के लिए एक छोटा रघुपुर फोर्ट वाला क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे तो ये रघुपुर फोर्ट का जो ट्रैक है वो है 3 किलोमीटर, बट वो एकदम स्टीप रास्ता है, तो मैंने एक दूसरा ट्रैक वर्जन उसका 5 किलोमीटर वाला ट्राई करने का सोचा, जो कि इतना स्टीप नहीं है। किस्मत ही बोल लीजिए, ट्रैक स्टार्ट करते ही हल्की हल्की स्नोफॉल ने स्वागत किया मेरा इस जंगल में, साथ ही नीचे पड़ी स्नो ने पूरा साथ दिया मेरे इस रघुपुर फोर्ट के ट्रैक को और खूबसूरत बनाने में। फिर से बताना चाहूंगा, फोर्ट का ट्रैक जो है वो दो अलग रास्तों से होता हुआ जाता है। एक 3 किलोमीटर का सीधा चढ़ाई वाला है और एक 5 किलोमीटर का हल्की चढ़ाई और एक लेक के साथ होता हुआ जाता है। स्टीप ट्रैक एकदम से करने का आज मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो सोचा 5 किलोमीटर वाला लंबा ट्रैक क्यों ना किया जाए, साथ ही साथ लेक भी देख लेंगे। आई नोटिस्ड काफ़ी ग्रुप्स भी आए हुए हैं यहाँ, मेरे आगे आगे 6-7 लोगों का ग्रुप था विद गाइड। वैसे तो आप ये ट्रैक हाइक अकेले बिना किसी गाइड के आराम से कर सकते हैं, बट फोर्ट और उसकी सिग्निफिकेंस, ओरिजिन, इन सब डिटेल्स के लिए एक गाइड होना मेरे हिसाब से सही चीज़ है।
वेलकम टू रघुपुर फोर्ट, या बोलना चाहूंगा रुइंस ऑफ रघुपुर फोर्ट, क्योंकि बस अब खंडहर ही बचे हैं इस पहाड़ पे इस फोर्ट के। बताना ये भी चाहूंगा कि ये फोर्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड फोर्ट होगा। तकरीबन एल्टीट्यूड है इस जगह का 10,882 फीट। हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो ये फोर्ट बनवाया गया था बाय डिस्ट्रिक्ट मंडी के रूलर्स हुआ करते थे, और जब इन्वेजन हो रहा था उससे बचने के लिए फोर्ट ऊंचे पहाड़ पे बनवाया गया था। यहीं से आपको धौलाधार माउंटेन्स के प्योर 360 व्यू मिल जाता है ऊपर टॉप से। यहाँ पहुँचने तक का सफ़र मेरा जंगल्स, लेक्स, मेडोज, इन सब से होता हुआ आया है, और अब ऊपर आके इस फोर्ट से 360 व्यू देखने का सच ही बोलूँ तो अलग ही मज़ा है। जी तो रघुपुर गढ़ के इस खंडर ही बचे फोर्ट पे कुछ टाइम बिताने के बाद अब फाइनली मैं निकल चला वापसी में। अब मौसम ने भी एकदम करवट ली और अब धुंध सी छा गई है हर जगह ही। शाम भी ढलने को ही है तो सोचा क्यों ना वापस हो लिया जाए। अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज मौसम और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके ही जगह पे आइएगा, क्योंकि जलोरी पास आते आते अगर एक स्नोफॉल भी ढंग का हुआ तो वहां फंसना तो तय है। शायद इसी वजह से ही ये जलोरी पास से आगे वाले दोनों ट्रैक्स अप्रैल के बाद ही खोले जाते हैं, बट स्टिल मौसम और हाई एल्टीट्यूड कब धोखा दे जाए नहीं पता। वेलकम टू जलोरी पास अगेन। आज का प्लान है हमारा सिरियोलसर लेक ट्रैक करने का। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये बार बार जलोरी पास ही क्यों आया जा रहा है, तो बताना चाहूंगा जलोरी पास से ही दोनों ट्रैक्स जाते हैं। कल हमने किया था रघुपुर फोर्ट और आज प्लान है सिरियोलसर लेक का। दोनों ही ट्रैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट यही जलोरी पास से ही स्टार्ट होते हैं। आज का ये सिरियोलसर लेक ट्रैक होगा नियर अबाउट 5 किलोमीटर एक साइड से एंड 10 किलोमीटर ओवरऑल। दिन भी एकदम खुशनुमा है और सूरज बाबा ने भी थोड़ा चेहरा दिखा दिया है अपना बादलों से। कल रात पड़ी स्नो ने एक हल्की सफेद चादर बिछा दी है इस पूरी जलोरी पास में ही। रास्ता सिरियोलसर लेक जाने का एकदम प्लेन है और डिसेंड ही मिलेगा आपको काफी जगह, मोस्टली 60% प्लेन ही है और उसके साथ साथ निचाई काफी मिलेगी इस पूरे ट्रैक में ही। एकदम साफ रास्ता तो इतनी मेहनत नहीं लगती बॉडी को। हाँ, बट ये याद जरूर रखा जाएगा कि जितना डिसेंड किया है उतना ही असेंड भी करना पड़ेगा आते टाइम। इस पूरे 5 किलोमीटर के रास्ते में शॉप्स हैं बीच बीच में, एज इन मैगी, ऑमलेट, 2-3 लंच आइटम्स, और भाई सीनिक व्यू कैसे बोल सकते हैं कोई। इन्हीं सब खाने की चीजों के साथ ऐसा सफेद नजारा मिल जाए तो लाइफ थोड़ी आसान सी हो जाती है ऐसा लगता है। बाकी सोलेस, अलोन टाइम या फिर जिंदगी के शोर शराबे से दूर कुछ शांति भरी जगह चाहते हैं तो उसके हिसाब से प्यारी जगह है। बाकी मैं लकी भी उतना ही हूं कि स्नोफॉल में सिरियोलसर लेक का व्यू मिला। शुक्रगुजार हूं इस जिंदगी का।
तो गर्मियों की छुट्टियां खत्म और अगले वीक से स्कूल शुरू, वही फीलिंग आती है हर बार किसी प्यारी जगह से वापसी करते टाइम मुझे। बट फिर कोई न्यू ट्रैक, न्यू जगह और न्यू वेदर का मेरी जिंदगी में दस्तक बना रहेगा। मैं ट्राई करूंगा ऐसी ही कुछ प्यारी और अलग हट के जगह दिखाने की आप लोगों को। अभी के लिए इस सिरियुलसर लेक से अलविदा लेता हूँ जलूरी पास के लिए, क्योंकि बाइक तो वहीं खड़ी है। डर ये भी लग रहा है कि इस भारी भरकम स्नोफॉल की वजह से रास्ते जलूरी के बाद वाले ज़रूर बंद हो गए होंगे और बाकी का झमेला अब वहीं जा के समझ आएगा। जी तो फाइनली जलूरी पास पहुंचा मैं, और वापसी में आते टाइम जलूरी के हाल देख के जो होश उड़े मेरे। लाइफ में फर्स्ट टाइम कहीं फंसा था कभी ऐसी जगह पे। वेदर और नेचर लगते तो उतने ही प्यारे हैं, बट जब डे टू डे टास्क की बात आती है तो रियलिटी हिट करती है। जलूरी से जिप्पी तक वाला रास्ता शोजा, जो कि 5 किलोमीटर होगा, पूरा स्नोफॉल से ढका पड़ा था और साथ ही साथ बाइक की बैटरी दम तोड़ चुकी थी। मैंने ट्राई किया था इसे 1-2 किलोमीटर तक घसीटते हुए जाने का, बट ढलान में बाइक्स के ब्रेक तक नहीं लग रहे थे। लकीली एक 4x4 दिखी तो माने वापसी में जाने के लिए, वो एक तय अमाउंट के साथ। ऐसे मौसम में एटलीस्ट मिला तो सही, यही बड़ी बात थी। तो उन्होंने फाइनली जिप्पी तक वापसी पहुंचा दिया था। Life's not infinite, it's the only chance we get, so. तो जी आज फाइनल डे है मेरा जीपी में। जाते जाते सोचा यहाँ की कुछ और दो टूरिस्टी चीजें क्यों ना देखी जाएं। लगे हाथ एक दो छोटे हाइक भी हो जाएंगे और चेकलिस्ट भी कवर हो जाएगी। तो आज पहले गया मैं यहाँ के एक फेमस मिनी थाईलैंड और दूसरी जगह थी द फेमस जीपी वाटरफॉल। दोनों ही जगह सेल्फी और पिक्चर क्लिक करने के मामले में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये जगह भी आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। बाकी यहीं जीबी के वाटरफॉल के साथ ही कुछ कैफेज भी हैं, तो उन्हें भी जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ट्राई करता हूँ ऑफबीट जगहें कवर करने की और आप लोगों को बताने की। चलिए अलविदा लेता हूँ जीबी से। किसी और दिन, किसी और ट्रैक और किसी नए वेदर के साथ आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद मी। पीस आउट। No.